हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। इसमें क्या बोलता है कि एक नहर के एक तट पर, यानी कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि सीधा क्या है, खड़ा है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी कि टावर का जो दूसरा तट है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि तट के इस बिंदु से, यानी कि नेक्स्ट क्या होता है, इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु से मीनार के पाद के मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तब क्या बोल रहा है कि टावर का ऊंचाई, यानी कि जो टावर का ऊंचाई है और नहर का क्या कहता है चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है, यदि गाइड हम उसके अकॉर्डिंग पे फिगर बनाते हैं तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइड कि एक तट है, ओके, क्या बोल रहा है, एक तट है, तट का क्या बोल रहा है कि एक सबसे पहले क्या करते हैं, एक टावर खड़ा करते हैं। सपोज माना कि ये मेरा क्या है, टावर है, ये क्या है मेरा, टावर है, ओके, ये मेरा क्या है, टावर है, ओके। आगे क्या बोल रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर ठीक एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण, मान के चलिए कि दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ पे, यहाँ से उन्नयन कोण कितना डिग्री का है गाइस, 60 डिग्री का, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, तो कितना दिए हमने, 60 डिग्री दिए, ओके। इतना दूर हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद बोलता है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे, यानी कि यहाँ से दूरी कितना है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ कितना है, 20 मीटर है, ओके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे बस फिगर आपका बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कितना है, 20 मीटर है, ओके, 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु के मीनार के पाद को मिलाने वाले रेखा खंड अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस जो बिंदु है यहाँ से इसका जो है कोण जो बनता है उन्नयन कोण, वो कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है, ओके। कितना क्लियर है, तब बोल रहा है कि टावर का ऊंचाई, यानी कि ये जो टावर है इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, और नहर, ये जो यहाँ से यहाँ नहर है इसका भी क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, ओके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे हम इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, माना कि ए बी क्या है, ए बी मेरा क्या है, यहाँ पे टावर है, ए बी क्या है, टावर है, तथा बी डी, बी डी क्या है, नहर है, बी डी नहर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे ये हो गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि अब देखिए हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से, ओके, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये क्या है मेरा, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी सॉरी पी हो गया, ये क्या हो गया, बी, पी वाई बी किसका होता है, टेन थीटा, तो टेन साठ डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ए बी आप बटे क्या जाएगा, बी डी, ओके। तो टेन 60 डिग्री का मान मेरा क्या है, √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर ए बी का मान क्या है, ए बी, इसके बाद बी डी का मान तो बी क्या है, नहीं दिया है, ओके, तो हम यहाँ पे ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी डी रूट कितना लिख सकते हैं, 3। ए बी का मान हमने क्या निकाले, ए बी का, यानी कि इसका मान क्या निकालेगा, बी डी रूट कितना निकाले, 3। अब क्या कहते हैं, पुनः प्रश्न से, ओके, अब समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, बराबर आ जाते ए बी सी से, ए बी सी से, ओके, ए बी सी में ये ए बी ए पी हो गया, ये क्या हो गया, बी, तो टेन कितना है, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या रखेंगे, ए बी आप बटे क्या रखेंगे, बी सी, ए बी क्या हो जाएगा, पी बटे ए बी आप बटे क्या हो जाएगा, बी सी, तो ए बी यहाँ पे 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, ए बी का हमने मान क्या निकाले है, बी डी √3, यानी कि बी डी √3, ओके। इसके बाद देखिए बी सी यहाँ पे है, बी सी को हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बी सी को हमने क्या देख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी देख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी क्या रखेंगे, सी डी आप प्लस बी डी, इतना क्लियर है गाइस। अब देखिए 1/√3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डी √3 बटे सी डी, यहाँ पे देखिए वो सी डी का मान कितना है, 20, ये क्या लिखेंगे, 20 प्लस बी डी, ओके। अब क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी √3
मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, रूट थ्री बराबर 20 प्लस क्या आ जाएगा बी डी। अब अगर इसको करते तो मेरा क्या आ जाएगा बी डी रूट थ्री रूट थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 BD, क्या हो जाएगा 3 BD, और बटे क्या हो जाएगा 20 प्लस BD, 20 प्लस BD बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस BD। ओके, अब अगर BD को इधर लाते हैं तो 3 BD और माइनस क्या हो जाएगा BD बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2 BD बराबर कितना हो जाएगा 20, इसका क्रॉस करते हैं तो 10, यानी कि BD का मान मेरा कितना निकला 10। मेरा BD क्या है गाइस, BD क्या है नहर की दूरी, यानी कि नहर का दूरी कितना निकला 20 निकला। ओके, आगे क्वेश्चन में हमारा क्या बोलता है, एक नहर का दूरी निकल गया, आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में कि टावर का, टावर को हमने क्या मान AB, AB का मान निकाला है BD रूट थ्री, AB बराबर क्या है मेरा BD रूट थ्री, यानी कि AB का मान मेरा कितना हो जाएगा BD का मान 10 रूट 3, यानी कि टावर का क्या हो गया, टावर का ऊंचाई मेरा कितना हो गया 10 रूट 3, इसके बाद नहर का चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा मेरा 10। ओके, ये हमारा इंसान आप लोगों को बताना चाहेंगे गाइस कि हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जिससे आप लोग इजिली आप लोग क्या कर सकते हैं इसको हल कर सकते हैं। फिर दोस्तों तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कितना है 12, इसमें क्या बोलता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और उसके पाप का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है, तब क्या बोल रहा कि टावर का क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हमें टावर का क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, एक केबल टावर बनाए, माना कि ये मेरा क्या है, मेरा ये शिखर का क्या है केबल टावर है, ये क्या है मेरा गाइस टावर है। ओके, ये मेरा क्या है टावर है, क्वेश्चन में आगे इसका ऊंचाई कितना है यहाँ से इतना 7 मीटर पे क्या है इसका टोटल ऊंचाई कितना है 7 मीटर है। ओके, आगे क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है कि 7 मीटर शिखर का केबल टावर का उन्नयन को, यानी कि सॉरी 7 मीटर ऊंचे भवन के, यानी कि ये क्या है इसका मान नहीं दिया गया है गाइस, एक 7 मीटर क्या है ऊंचा भवन है, सॉरी इसके लिए यहाँ से 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। ओके, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी कि भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना रहा है 7 डिग्री का, कितना डिग्री का 7 डिग्री का, और भवन से केबल टावर का पार्श्व बिंदु का कितना है 45 डिग्री का कोण क्या कर रहा है बना रहा है, तब क्या बोल रहा है भवन टावर का क्या बोल रहा है कि टावर का हमको क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ओके, इसको क्या मानते हैं ई मानते हैं। ओके, अब देखिए क्या क्या दिया है, माना कि यहाँ पे देखिए, माना कि ए बी को क्या माने हैं भवन है, ए बी भवन है, सी डी क्या मेरा है, सी डी मेरा क्या है टावर है, सी डी क्या है टावर है। ओके, आगे देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी ई, ए बी बराबर सी ए, तो इसका कितना हो जाएगा 7 मीटर। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए, यानी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए, ये क्वेश्चन में हो गया। अब क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। ओके, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में ये क्या हो गया पी हो गया, और ये क्या हो गया मेरा बी, पी बाय बी किसका होता है 3 थीटा, तो 3 कितना देखेंगे 10 45 डिग्री बराबर मेरा क्या हो जाएगा ए बी, और बटे क्या हो जाएगा बी सी, 10 45 का मान कितना होता है 1 बराबर ए बी, और बटे कितना हो जाएगा बी सी, यानी कि ए बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो बी सी, ये मेरा क्या हो गया ए बी बराबर बी सी। ओके, अब मेरा जो ए बी बराबर क्या हो गया बी सी, यानी कि ए बी का मान कितना है 7, तो बी सी का मान भी कितना हो जाएगा मेरा 7। अब देखिए ए बी का सॉरी ए बी का यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे ए बी का मान पहले से दिया गया है कितना है सॉरी 7 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं
AB का मान कितना है, 7 दिया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो BC का मान कितना आया, 7, यानी कि BC का मान 7 आया तो AE का मान भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, BEA से। ओके, अब BEA में क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो गया, P हो गया, ये क्या हो गया, B, P बाय B किसका होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन कितना है, 7 डिग्री, टेन यहाँ पे सॉरी कितना है, 7 डिग्री है, यहाँ पे कितना है गाइस, 7 डिग्री है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, टेन 7 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, डी, कितना लिखेंगे, डी, और दट क्या हो जाएगा मेरा, ए। ओके, टेन 7 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, डी का मान 7 है, ए का मान क्या है, नहीं दिया है। ओके, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यहाँ पे ही क्या करते हैं गाइस, सॉल्व कर देते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, AE × √3 बराबर कितना हुआ, 7, AE × √3 बराबर कितना हुआ, 7, यानी कि AE का मान कितना आ जाएगा, 7, और बटे कितना हुआ, √3 AE का मान। अब हमको पूरे पावर का निकालना है, यानी कि DC का निकालना है, तो DC बराबर क्या लिखेंगे, AE + C, यानी कि DC बराबर क्या लिखेंगे, DC बराबर DE, डी क्या होगा, सॉरी DC बराबर क्या होगा, DE + C, यहाँ पे क्या होगा, DE, ये क्या है, डी, DC बराबर DE + C। ओके, अरे DE का मान अभी जस्ट हमने क्या निकाले हैं, एक मिनट गाइस, DE, ओके, हाँ, तो DE का मान यहाँ पे मेरा क्या हो गया, रॉन्ग मिस्टेक हुआ है गाइस, देखिए DE का मान है, DE का, AE का मान दिया गया है गाइस, यहाँ पे क्या होगा, ये DE होगा, तो मेरा DE का मान कितना निकलेगा गाइस, यहाँ पे DE का मान अगर निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, तो 7 √ कितना हो जाएगा, 3, यानी कि मेरा DE का मान ये कि यहाँ पे कि क्या आ जाएगा, DE का मान कितना हुआ, 7 √ कितना हुआ, 3। अब DE का मान कितना है, 7 √3, प्लस CE का मान हमने निकाले हैं, CE, यानी कि CE का मान कितना है, 7 है, तो 7 कॉमन लेते हैं, तो √3 प्लस कितना आ जाएगा, 1, यानी कि DC का मान कितना निकला गाइस, 7 √3 प्लस 1, ये हमारा मान है। ओके, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।